आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे देशों की जानकारी जो कि फ्री वीजा ऑफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीजा से जुड़ी कई सारी बातें जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, अपने फॉर्म भरने पड़ते हैं, एम्बेसी के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर आपको आसानी से फ्री वीजा मिल जाएगा। दोस्तों आपका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइट में। इन देशों की लिस्ट में सबसे पहले आता है इंडोनेशिया, जहां पर आपको बाली, उबुद ऐसी जगह देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया पर्यटकों की लिस्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पॉपुलर है। हनीमून पे जाना हो या फिर आपको बीच पर मजे लूटने हो, आप इंडोनेशिया का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर है भूटान। भूटान कलकत्ता से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। ये एक इको फ्रेंडली जगह है जहाँ पर आपको पॉल्यूशन या फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इंडियंस को यहाँ जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बैग पैक कीजिए, अपना पासपोर्ट ले लीजिए, अपनी टिकट बुक करके सीधा भूटान के चक्कर लगा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों जमाइका। जमाइका में आपको रेगी म्यूजिक बॉब मार्ले सुनने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉब मार्ले का फेमस म्यूजिक जिसे रेगी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है आपको जमाइका में मिलेगा। जमाइका भी एक ऐसा देश है जहां पर आपको बिना किसी वीजा के जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर आपको जीप सफारी से लेकर बीच के दर्शन करने को आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल जाने के लिए भी आपको वीजा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अगर अपना पासपोर्ट भी याद नहीं है तो भी आप यहाँ पर सिर्फ अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा इशू होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी नेपाल जा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हांगकांग। हांगकांग भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहां पर 180 दिनों तक रह सकते हैं, यानी कि आप यहां पर 6 महीने तक बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। अब बताते हैं आपको अगला देश। अगला देश है मालदीव्स, जिसे कि सफेद रेत के लिए जाना जाता है। यहाँ के बीचेस पर सफेद रेत होती है, साफ पानी होता है और ऐसे आपको रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे जहाँ पर आप समुद्र के किनारे ही जगह लेकर रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मालदीव्स एक ऐसी अच्छी वेकेशन की जगह है जहाँ पर आप बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। आपको वहाँ पहुँच कर वीजा मिल जाएगा और वो वीजा 90 दिनों तक वैलिड रहता है। बस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। इसके बाद है दोस्तों मकाओ। मकाओ लास वेगास एशिया का कहा जाता है। यहाँ पर आपको कैसीनोज, मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको रात भर पार्टी करना पसंद है तो अपना पासपोर्ट लीजिए और निकल पड़िए मकाओ के लिए। यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है। अब बताते हैं आपको फिजी के बारे में। इंडियंस को फिजी जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सन, सैंड और समुद्र एक साथ मिल जाएगा। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप फिजी जाकर जरूर देखिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन देशों की जहाँ जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए प्रिया ट्रैवल लाइट्स, देखते रहें प्रिया ट्रैवल लाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।